कि ऐसा है, मैंने पिछले कल इस विषय में बड़े विस्तार पूर्वक चर्चा करी है और इस विषय पर अपनी बात रखी है और आज पुनः आप लोग इस बारे में पूछ रहे हैं, तो इसमें मैं जानकारी देना चाहता हूं कि ये विषय आज का नहीं है। ये विषय जो है वो 2013 से चला हुआ है। 2013 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए थे कि टाउन वेंडिंग कमिटीज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, म्यूनिसिपल कमिटीज में बननी चाहिए। और 2016 में, 2016 में हिमाचल प्रदेश में जो है वो इस एक्ट को बनाया गया, जिसमें टाउन वेंडिंग कमिटीज बनाने का निर्णय सरकार ने 2016 में लिया था, मगर उसको काफी समय तक वो जो है एक्टिवेट नहीं हो पाया था। 2023 में, 2023 में, उस समय के जो चीफ जस्टिस थे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के, उन्होंने पीआईएल के माध्यम पे डायरेक्टिव दिए हिमाचल प्रदेश सरकार को कि इमीडिएटली टाउन एंड वेंडिंग कमिटीज, टाउन वेंडिंग कमिटीज जो है उनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, ताकि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं प्रदेश के अंदर, उनको बैठने के लिए डेजिग्नेटेड स्पॉट जो है वो उपलब्ध होना चाहिए। और हमने इस विषय को आगे ले जाने का कार्य किया। जो हमने बैठक करी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की और यूडी डिपार्टमेंट की कुछ दिन पहले शिमला के अंदर, उसमें इस कोर्ट के ऑर्डर का भी चर्चा हुई और ये बात हुई कि हमें इसको एक्सपेडाइट करने की आवश्यकता है। ऑलरेडी शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसके ऊपर कार्य कर रहा है ऑलरेडी, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है, ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है, एंड वी एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बाउंड टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट, इसलिए हम उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। और ये कहा गया है कि जो भी वेंडिंग एरियाज होंगे या नॉन वेंडिंग एरियाज होंगे उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, और जो भी वेंडिंग एरियाज होंगे उनको ब्लू में मार्क किया जाएगा और उनका आइडेंटिफिकेशन, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, चाहे वो आधार कार्ड है, चाहे वो आपका उसमें आईडी कार्ड है, चाहे उसमें जीएसटी नंबर है, वॉट एवर इट इज, उसका एक पूरा गाइडलाइंस बनेगी और उसके हिसाब से वो होगा, या चाहे उसमें हिमाचली है चाहे उसमें गैर हिमाचली है। मैंने कल भी कहा कि देश के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति हिमाचल में रोजगार के लिए आ सकता है और हिमाचली भी किसी भी इलाके में रोजगार के लिए जा सकता है, मगर हमने ये कहा कि हम उसमें जो प्रदेश के लोगों के कंसर्न्स है विद रिगार्ड टू हाइजीन ऑफ द फूड, अगर उसमें खाने के ठेले हैं, खाने के स्टॉल्स हैं, अगर कोई जो एक ड्रग्स का प्रचलन प्रदेश में बढ़ता जा रहा है उसको चेक करना भी सरकार का दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है, इसलिए हमने ये कहा है कि ये आइडेंटिटिफिकेशन होना चाहिए और जो भी इसमें वेरिफिकेशन हर व्यक्ति की इसमें होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द मैंडेट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड द मैंडेट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट।